हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस जो कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी होते हैं, वो क्यों इम्पॉर्टेंट हैं और क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि कंसिडर किए जाते हैं बिफोर टेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, ये सब कुछ हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम एक बहुत ही सिंपल टॉपिक, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, कौन कौन से सोर्सेज होते हैं फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, और क्या क्या सिचुएशन या किस तरह के बिजनेस होते हैं जहां पर फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होती हैं, ये सब हम आज के वीडियो लेक्चर में कवर अप करने वाले हैं। सो लेट्स कनेक्ट टू कॉमर्स एंड लेट्स लर्न अबाउट फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। सबसे पहले बच्चों देख लेते हैं कि फिक्स कैपिटल का मीनिंग क्या होता है। फिक्स कैपिटल मीन्स इन्वेस्टमेंट इन द लॉन्ग टर्म असेट्स। तो लॉन्ग टर्म असेट्स आप सबको पता है, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, जो भी लॉन्ग टर्म असेट्स होते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट्स के लिए जो पैसा चाहिए होता है उसको हम कहते हैं फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। मैनेजमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल इन्वॉल्व्स एलोकेशन ऑफ द फर्म्स कैपिटल टू द डिफरेंट प्रोजेक्ट्स फॉर द असेट्स विद द लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस फॉर द बिजनेस। तो फिक्स कैपिटल मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि किस तरह से हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को अरेंज करेंगे और वो किस तरह के असेट्स में उनका इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। क्लास 11 में हम सोर्सेज ऑफ फाइनेंस ऑलरेडी कर चुके हैं। ओनरशिप के बेसिस पे ओन फंड्स और बोरोड फंड्स होते हैं, लेकिन ड्यूरेशन के बेसिस पे भी लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म फंड्स, अगर आपको याद हो तो हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं, जिसमें हमें पता है इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम द बैंक्स, लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, रिटेन अर्निंग्स, ये सारे सोर्सेज हैं फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। और जब इन सोर्सेज से फिक्स कैपिटल अरेंज कर लिया जाता है तो फिर उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। अफेक्टिंग द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स मतलब हम यहाँ पर सिचुएशंस देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर बिजनेस को किन केसेस में, किन सर्कमस्टांसेस में ज्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए होता है या किस तरह के बिजनेस को ज्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए होता है, उसी हिसाब से बिजनेस जो है अपनी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को डिसाइड करेगा और उनको अरेंज करने के लिए एफर्ट्स करेगा। तो ये फैक्टर्स अपने पास नोट कर लीजिए बच्चों, टोटल 8 फैक्टर्स हैं। नाम नोट कर लीजिए, नेचर ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस या उसको कहते हैं स्केल ऑफ ऑपरेशंस, चॉइस ऑफ टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अवेलेबल, डाइवर्सिफिकेशन, फाइनेंशियल अल्टरनेटिव्स एंड कोलैबोरेशन लेवल। हर एक फैक्टर में सिर्फ हमें यह देखना है कि इस पर्टिकुलर फैक्टर के हिसाब से कौन सी सिचुएशन में ज्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए होगा और कौन सी सिचुएशन में कम। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, नेचर ऑफ बिजनेस, कई तरह के बिजनेस होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी होते हैं, ट्रेडिंग बिजनेस भी होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में प्रोड्यूस करके सेल किया जाता है, ट्रेडिंग बिजनेस में सिर्फ खरीद के बेचा जाता है। तो बहुत सिंपल लॉजिक है कि ट्रेडिंग बिजनेस में जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं वो कम होंगी, क्योंकि उनको मशीनरी और प्लांट, इस तरह के जो असेट्स हैं जो प्रोडक्शन के लिए चाहिए होते हैं वो नहीं चाहिए, उनको सिर्फ बिल्डिंग, लैंड, थोड़े कम असेट्स चाहिए होंगे। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा चाहिए, अगर ट्रेडिंग बिजनेस है तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स कम चाहिए। फिर उसके बाद साइज ऑफ बिजनेस और स्केल ऑफ ऑपरेशंस में भी हम यही देखेंगे, डेफिनेटली लार्ज बिजनेस है तो उसकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स भी ज्यादा होंगी और छोटा बिजनेस है तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स कम होंगी। इवन ट्रेडिंग बिजनेस में भी जैसे हमने देखा कि फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स कम है, लेकिन ट्रेडिंग बिजनेस भी अगर लार्ज साइज का है और एक ट्रेडिंग बिजनेस छोटे साइज का है तो किसमें ज्यादा फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स होंगी, जो कि लार्जर इन साइज है। आई होप देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन मच इन दैट। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड फैक्टर, चॉइस ऑफ टेक्निक्स। देखिए टेक्निक्स जो है ना, तरह तरह की टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन, फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो टेक्निक्स हैं वो बहुत ही महंगी होती हैं, टेक्नोलॉजी बहुत ही एक्सपेंसिव होती है। तो बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो लेबर ओरिएंटेड टेक्नोलॉजीज यूज करती हैं, जहां पे ज्यादातर काम हाथ से होता है,
जैसे हम देखते हैं ना कि निर्मा के जो पैकेट्स आते थे मार्केट में वो मैनुअली स्टेपल्ड होते थे, किसी मशीन से भी स्टेपल्ड नहीं होते थे, तो आप सोच सकते हैं कि उनको लेबर ज्यादा चाहिए होती होगी। लेकिन अब जब टेक्नोलॉजी फास्ट होती जा रही है और बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज आती जा रही हैं, तो थोड़े से ही लोगों से एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ ज्यादा प्रोडक्शन या आउटपुट मिल जाता है। तो कंपनी किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है, एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है जिसमें लेबर कम चाहिए, या लेबर ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है, इस पर भी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स डिपेंडेंट होंगी। अगर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स यूज की जाती हैं तो वो ज्यादा महंगी होती हैं और मोर फिक्स कैपिटल वहां पर चाहिए होता है, और जहां लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स यूज की जाती हैं वहां फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स कम होती हैं। ठीक है बच्चों, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फैक्टर, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन रिक्वायर्ड। यहाँ पे तो हमने टेक्नोलॉजी किस तरह की यूज करते हैं ये देखा था, अब हमें ये देखना है कि किस तरह के बिजनेस में बार बार टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी पड़ती है और किस तरह के बिजनेस में टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी जल्दी ऑब्सोलीट नहीं होती है। इमेजिन करिए एक फर्नीचर बनाने वाला बिजनेस है जो टेबल चेयर बना रहा है बहुत टाइम से, तो उसको जो असेट्स चाहिए वो उसके कई साल तक इस्तेमाल होते रहेंगे, बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी वो इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो उसके असेट्स जल्दी जल्दी बेकार नहीं होंगे, तो उसको फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा नहीं चाहिए थोड़े थोड़े टाइम बाद। लेकिन अगर हम इमेजिन करें कि एक मोबाइल इंडस्ट्री है या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है या फैशन इंडस्ट्री है, वहां पर बहुत जल्दी जल्दी लोगों को एडवांसमेंट्स चाहिए होती हैं, उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज होते रहते हैं, इसी हिसाब से बिजनेस को बहुत जल्दी जल्दी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करना पड़ता है। तो जहां पर भी बिजनेस को ज्यादा टेक्नोलॉजिकल फास्टर रिप्लेसमेंट करनी पड़ती है, ज्यादा टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करना पड़ता है, वहां पर फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होंगी, और जहां इस तरह से अपग्रेडेशन की जरूरत नहीं है वहां पर फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स कम होती हैं। फिर उसके बाद देखिए ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, कोई कोई सी जो है वो ग्रोइंग कंसर्न्स होती हैं जो कि बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करती हैं, तो अगर इस तरह के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अवेलेबल होते हैं बिजनेस को तो बार बार एक्सपैंड एंड ग्रो करने के लिए उन्हें नए असेट्स चाहिए होते हैं और उनकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होती हैं। लेकिन अगर कोई बिजनेस स्टैग्नेंट है या स्टेबल है, उसकी डिमांड्स फ्लक्चुएट नहीं होती हैं, लगातार स्टेबल ही रहती हैं और बहुत ज्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज उनके पास अवेलेबल नहीं है, तो उस तरह के बिजनेस में लेस फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फैक्टर, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है जब कोई बिजनेस मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील करता है तो कभी कभी तो उसके प्रोडक्ट्स बिल्कुल एक जैसी प्रोडक्ट लाइन के होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्टेशनरी बना रहा है तो वही जो है वो व्हाइट बोर्ड्स भी बनाने लगे, या वो कंप्यूटर से रिलेटेड स्टेशनरी में एंटर कर जाए, तो लेकिन उसकी प्रोडक्ट लाइन सेम ही है, स्टेशनरी ही है, तो उस तरह के बिजनेस में बहुत ज्यादा असेट्स नए नहीं चाहिए होंगे और उनकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स कम होंगी। अगर कोई बिजनेस प्लान करता है डाइवर्सिफाई करने के लिए, मान लीजिए कि कोई, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि स्टेशनरी वो मैन्युफैक्चर करते हैं और बेचते हैं, लेकिन वो अचानक से सीमेंट बिजनेस में आ जाए, वो अचानक से कंस्ट्रक्शन बिजनेस में आ जाए, तो यहाँ पे अगर वो अपनी प्रोडक्ट लाइन ऑल टुगेदर चेंज कर देंगे, वो प्लान करेंगे बिल्कुल डाइवर्सिफाई करने के लिए, तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होंगी क्योंकि अब उन्हें पूरी तरह से सारे असेट्स नए चाहिए होंगे। और अगर ऐसा कोई डाइवर्सिफिकेशन प्लान नहीं है कंपनी का तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स कम होंगी। फिर उसके बाद देखिए फाइनेंशियल अल्टरनेटिव्स। फाइनेंशियल अल्टरनेटिव्स का मतलब होता है अगर फिक्स असेट्स परचेज करने के लिए बिजनेस को पूरी तरह से अपना ही पैसा चाहिए, उसको किसी भी तरह से लीज पर जो है वो असेट नहीं मिल रहा है, कभी कभी असेट खरीद कर और किश्तों में उसका पैसा दे दिया जाता है, थोड़ा सा अमाउंट इनिशियली दिया जाता है और बाकी थोड़ा थोड़ा करके दे दिया जाता है, तो इस तरह के अगर फाइनेंशियल अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है तो उस केस में तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स कम होंगी। लेकिन अगर इस तरह के कोई भी फाइनेंशियल अल्टरनेटिव्स अवेलेबल नहीं है तो उस केस में फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ज्यादा होंगी। फिर उसके बाद लास्ट फैक्टर है कोलैबोरेशन लेवल। कोलैबोरेशन लेवल में क्या होता है कि कोई एक कंपनी जिसके अपने असेट्स फुली यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं वो किसी के साथ कोलैबोरेट कर जाती है और फिर वो दूसरी कंपनी के साथ प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग एक्टिविटीज मिलकर करते हैं,
तो उस केस में क्या होता है कि दो कंपनीज मिलकर कॉमन असेट्स जो है वो इस्तेमाल कर लेती हैं। कई बार हम देखते हैं कि जो दूसरे दूसरे बैंक्स के एटीएम्स हैं उन पर ये फैसिलिटी अलाउ की जाती है कि किसी और बैंक के जो कस्टमर्स हैं या वो भी विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये भी एक तरह का एग्जाम्पल है कोलैबोरेशन का। तो बिजनेस में भी जब कोलैबोरेशन की जाती है तो बिजनेस के असेट्स कॉमनली यूज हो जाते हैं। तो उस केस में अगर कोलैबोरेशन है तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स कम होंगी, अगर इस तरह का कोलैबोरेशन नहीं है तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ज्यादा होती हैं। तो बच्चों मैंने यहां पर अंडरलाइन कर दिए हैं ब्लू कलर से वो पॉइंट्स जहां जहां फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ज्यादा हैं। यहां देखिए कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ज्यादा हैं, जब स्केल ऑफ ऑपरेशन लार्ज है तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ज्यादा हैं। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स में फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ज्यादा हैं, जब टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन बहुत फास्टर होती है वहां पर फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ज्यादा हैं, जहां पर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं, या जहां कंपनी प्लान करती है डाइवर्सिफाई करने के लिए, जहां पर फाइनेंशियल अल्टरनेटिव्स अवेलेबल नहीं है, और जहां पर लेवल ऑफ कोलैबोरेशन जो है वो लो है या नो कोलैबोरेशन है, इन सारी सर्कमस्टांसेस में फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होंगी एंड वाइस वर्सा फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स कम होंगी। तो इस पर बच्चों आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को अफेक्ट करते हैं, उसमें से कोई चार एक्सप्लेन करिए। पर नॉर्मली इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इसमें आपको सिचुएशंस दी होंगी, कहीं पे आपको लेवल ऑफ कोलैबोरेशन बताया जाएगा, कहीं पे बताया जाएगा कि फाइनेंशियल अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, या कहीं पे बताया जाएगा कि साइज ऑफ द बिजनेस बहुत स्मॉल है। तो उन सर्कमस्टांसिस के हिसाब से आपसे पूछा जाएगा कि इन सर्कमस्टांसिस में फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स मोर है या लो है, कौन से फैक्टर की बेसिस पे आपने ये आंसर बताया है और क्यों। तो इस तरह से बच्चों अगर आप ये सारे फैक्टर्स जो हैं सिर्फ मोर और लेस के हिसाब से याद कर लेंगे तो यू विल बी एबल टू आंसर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो अंडर द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स और फैक्टर्स अफेक्टिंग देम हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा बचा है फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। सिर्फ यही एक टॉपिक इस चैप्टर में बचा है और उसके बाद हमें करना है इसी का सेकेंड चैप्टर, दैट इज फाइनेंशियल मार्केट्स। सो आई होप यू हैव एंजॉयड वॉचिंग द वीडियो, यू आर एंजॉयिंग लर्निंग द वे आई एम टीचिंग you, and if you are comfortable with the way I explain to you, I request you to subscribe to my channel if you have not subscribed yet, and also share it with the maximum students so that sabhi bachchon ko bahut aasani se sare topics acche se samajh mein aa jaye. मैंने बच्चों प्लेलिस्ट बना रखी है सारे चैप्टर्स की, फर्स्ट बुक के एक से लेके आठ तक के हम सारे यूनिट्स कवर अप कर चुके हैं, उसकी प्लेलिस्ट अवेलेबल है ईज इन द एग्जाम्स के नाम पर। एग्जामिनेशन टिप्स, राइटिंग टिप्स, प्रेजेंटेशन टिप्स, ये सारा भी मटेरियल अवेलेबल है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और ये सारी वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि जब हम सारा सिलेबस कवर अप कर लेंगे फिर उसके बाद बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स, कन्फ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स या क्वेश्चन आंसर अकॉर्डिंग टू द न्यू सैंपल पेपर, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। बस आप आधा घंटा रोज का निकाल लिया करिए वीडियोस को देखने के लिए, टॉपिक्स को समझने के लिए, और फिर आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी, दैट आई कैन गारंटी यू। सो सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनादर टॉपिक, दैट इज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, विद विच वी आर गोइंग टू फिनिश ऑफ विद अ चैप्टर 9। सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड, गुड बाय।